हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति का लागू होना, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक जाति एक वर्ग का कब्जा रहना और सबका बाकियों का गुलाम रहना। तो इसीलिए उस हिंदू राष्ट्र को एक झटका लगा है, इन्हीं के करनी से लगा है, इन्हीं के उससे लगा है, तो ये अब पॉसिबल नहीं है। संविधान में कुछ ऐसी सुविधा है क्या कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत? नहीं नहीं, कोई भी सुविधा नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और भारत अपने आप में भारत अर्थात इंडिया, उसका नाम लिखा हुआ, सभी धर्मों को सभी जातियों को उसमें बराबर बराबर का वहाँ पर वो दिया हुआ है, अधिकार दिए हुए हैं और सबको मिला करके देश बना। आप कभी संसद गए हैं? आप संसद में जाओ तो 500 से ऊपर वहाँ पर झंडे कबीलों के नाम है जिनको मिला करके भारत बना है। उनके हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह सिर्फ गुलामों की है और वहाँ पर हमारे कोई अधिकार नहीं है, ये दिक्कत है। धीरेन्द्र शास्त्री सबके पर्चे बनाता है और उसको अपने भाई का पर्चा नहीं बनाया उसने कि उसके ऊपर SC ST एक्ट में केस दर्ज होने वाला है, उसमें अवैध रूप से हथियार रखने के और वहाँ पर पब्लिक में लहराने के खिलाफ उसके खिलाफ वो बनने वाला है, केस बनने वाला है। भैया उसका पर्चा क्यों नहीं बनाया तूने? तुझे जब इतना जानकारी है, और देखो हमारे हनुमान जी को बदनाम करता है आदिवासी हनुमान जी को कि मुझे हनुमान जी बताते हैं, शक्ति देते हैं, और जनता को लूट रहा हनुमान जी का नाम लेकर के, हम उसके ऊपर एक और पर्चा दर्ज कराने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि तो उसने तो पर्चा बनाया नहीं अपने भाई का, पुलिस ने, और इस संविधान के अंदर पुलिस ने जरूर उसका पर्चा बना दिया कि भैया अगर तू ये गुंडागर्दी करेगा हिंदू राष्ट्र वाली तो जेल में ही जाएगा, क्योंकि अभी भारत का संविधान का पर्चा भारी पड़ गया। हाँ बिल्कुल, भारत के संविधान का पर्चा भी तो बड़ों बड़ों पे भारी पड़ने वाला है। देखिए जिसने भी 26 जनवरी 1950 के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन जिसने भी तोड़ने की कोशिश करी है वे देर सवेर उसका नामो निशान मिट गया है। ये महान संविधान को मिटाना इतना आसान काम नहीं है। बाबा साहेब ने इस संविधान को बनाने के लिए करीब करीब 3 साल का समय लिया, दिन रात मेहनत की, वो इसमें ऐसा चक्रव्यूह बना करके गए हैं कि जी इनको अभी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से घुसे, और घुस भी गए तो फिर निकलने का रास्ता उसमें से है नहीं, तो ये उसी में फंस करके दम तोड़ देते हैं। और ये मनुवादी विचारधारा भी 100% 2024 में दम तोड़ेगी इस चक्रव्यूह में, संविधान के चक्रव्यूह। क्या हिंदू राष्ट्र में ऐसा ही होगा कि दलित बहन बेटी की बरात नहीं चढ़ेगी, बाजा गाजा नहीं बजेगा? अरे सर ये तो बहुत बड़ी बात है, बाजा गाजा वहाँ पर बारात चढ़ने की बात तो बहुत दूर है। पहली बात तो आपको अपने इलाकों के बाहर शादी निकलने की वो इजाज़त भी नहीं होगी। आपको अगर कोई शादी वादी करनी है चुपचाप अपने इलाकों में 6 बजे के मतलब शाम होने के बाद आपके आपकी बस्तियों से जो दलितों की और शूद्रों की बस्तियों से वो लाइट नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा मनुस्मृति में कि ब्राह्मण को इससे उसकी आंखों को तकलीफ होती है। जो उनकी बहन बेटियां हैं शूद्रों की अछूतों की, वो सोना चांदी नहीं पहननी चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि उससे शूद्र का उसका ब्राह्मण का अपमान होता है। नहीं बिल्कुल, हम होलिका दहन का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और हम पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं हमने कहा कि होलिका पूजन का बिल्कुल बहिष्कार करें। हमारे जितने भी इस देश के आदिवासी मूल नागरिक SC ST OBC जितने भी लोग हैं, महिला को जलाने का ये जो अपमान करने का षड्यंत्र है, इसको बिल्कुल इस नंगे नाच को बिल्कुल बंद कर जाएं। कोई होली पूजन नहीं, हाँ जो नेक्स्ट जो त्यौहार होता है रंगों का त्यौहार, उसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाएं, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक महिला को अपमानित करके जो हर साल ये जलाते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसको राक्षसी बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, बिल्कुल उसके विरुद्ध हमारा प्रचार है और हम पूरी तरह से उस पर 5 तारीख को मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, 8 तारीख को होली है, 5 तारीख को हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं बड़ी मीटिंग कर रही हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली उसका विरोध करेंगी हम पोस्टर भी जारी कर रहे हैं और हर साल करते हैं कि कोई भी बहुजन कोई भी किसी भी तरीके से होलिका पूजन में होलिका दहन में शामिल नहीं होगा। आप ज़्यादा आपको करना है तो अपने घर में एक रात पहले दिया जला करके अपनी उस बहन को महान उस माँ को बहन को होलिका को उसको श्रद्धांजलि देनी है और अगले दिन आप रंग मनाए, रंग से हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या दलितों का त्यौहार नहीं है होली? नहीं बिल्कुल नहीं है, हमारा तो डिफीट है, हार है। देखिए इनका त्यौहार ये मतलब तुम्हारी हार त्यौहार का, तो ये तो हम अपनी हार मना रहे हैं उनके साथ मिलकर के। वो तो विजयी पक्ष था ना, जिसने छल कपट से हमारी उस बहन को वो उसको जला दिया जिंदा, उसके साथ व्यभिचार करके उसको जिंदा जला दिया और उसका अपमान करा, शोषण करा, तो आज हम उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जाएं कि हम उसको जलते हुए उनकी पूजा में उनकी खुशी में हम शामिल हो जाएं। अपनी हार हम तो हमारी तो हार हुई है, हमारी तो बहन शहीद हुई थी, तो हम तो उसको तो हमारी तो हुतात्मा है वो, हम तो उसको श्रद्धांजलि देंगे, वहाँ पर अपना दिया जला
करके। और इसीलिए अगर इनको बंद करना चाहिए, सरकार से मेरी मांग है कि बिल्कुल एक महिला का अपमान बंद होना चाहिए। और ये जो होली पूजन और ये जो होली इनका ये दहन करते हैं, ये पूरी तरह से ये इस पर प्रतिबंध लगे। सर, देश में हिंदू राष्ट्र की बात शुरू हो गई है, क्या लगता है आपको हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात शुरू हुई थी, अब वो धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की बात है ना, अब दब रही है। क्योंकि अब जिस तरीके से पंजाब में अभी पीछे 2-4 दिन पहले एक अमृतपाल नाम का एक आदमी जिसने दोबारा से वहाँ खालिस्तान की आवाज़ को उठा दिया है, एक बहुत ही खतरनाक ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि हिंदू अब अलग अलग राष्ट्र सब लोग मांगेंगे कि भाई कोई हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, कोई खालिस्तान मांग रहा है, कोई अछूतिस्तान मांग रहा है, कोई चमरिस्तान मांग रहा है, कोई बुद्धिस्तान मांग रहा है, कोई मुस्लिम स्थान मांग रहा है। इस तरह से क्रिश्चियनों ने भी मीटिंग की थी, वो भी कह रहे हैं कि सबको अलग अलग स्थान चाहिए। तो देश में बिल्कुल पूरी तरह से एक अराजकता फैलने वाली है, शुरू हो गई है। तो ये बिल्कुल गलत है। और ये हिंदू राष्ट्र वाले उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि लोग अब हिंदू राष्ट्र के नाम से ही अब बचने लगे हैं, अब भागने लगे हैं। और ख़ासतौर पे जिस तरीके से पीछे जो ये मूवमेंट चली कि भाई ये इनके हिंदुओं के ग्रंथों में रामचरितमानस में और ये मनुस्मृति में जो श्लोक जब टीवी पर जब चले, एक डिबेट चली डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने, जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने शुरू करवाई, और उसके बाद ये मौर्या जी से मामला चला, उस पर अटैक भी करे, तो इस देश के जो शूद्र हैं अर्थात आज के ओबीसी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, और इस देश के SC ST तो पहले ही मिशन में थे, तो उसको जो झटका लगा, उनको लगा कि भाई हिंदू राष्ट्र का अर्थात मतलब है अर्थात गुलामी। और देखिए, आज़ादी के बाद भी कांग्रेस सरकार ने, सरदार पटेल जी ने, सबने मिला करके अलग अलग, जैसे निजाम हैदराबाद जो है बाद में भारत में शामिल हुआ, सिक्किम भारत में शामिल हुआ, गोवा बाद में भारत में शामिल हुआ, तो इतने सारे जब देश इस भारत में, जब भारत के संविधान को मान करके पहले और बाद में इकट्ठे होकर के 500 से ज़्यादा देशों को मिला करके, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े रियायतें उनको मिला करके बनाया, तो फिर ये अलग अलग कैसे होगा? तो अलग अलग तो अपना अपना देश अपने रजवाड़े सब मांग लेंगे, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी देश को। तो टूटने वाली बात है कि तोड़ने वाली बात है हिंदू राष्ट्र बोलना, मतलब देश को तोड़ने की स्थिति में आप लेकर के आ गए। क्योंकि वहाँ जो ये तो पंजाब में तो बहुत भयंकर चल रहा है, परसों मैं देख करके लिया। मोदी जी कभी नहीं कहते कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, उनके जो नेता हैं या उनके जो BJP कार्यकर्ता हैं वो हमेशा मांग कर रहे हैं इसकी। नहीं देखिए, वो इसका मतलब है कि अगर आप अगर कोई इस तरह की, जैसे संविधान के विरुद्ध है, सुदर्शन चैनल के मालिक ने शपथ दिलवाई थी गोविंदपुरी में, दिल्ली में पिछले साल, तो अगर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो, जो संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो आप संविधान के खिलाफ शपथ लेने वालों को जेल में नहीं डाल रहे हो, तो इसका मतलब आपका मूक समर्थन है, आप उसके समर्थन में है कि भाई हमें उसका समर्थन है, इसी वजह से आपने उनको अरेस्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं और भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको अरेस्ट करो, क्यों नहीं जेल भेज रहे हो? तो अगर सरकार उन पर स्टेप नहीं ले रही है, FIR दर्ज होने के बाद भी वो खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब कि वो ऊपर के जो बैठी लीडरशिप है, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, वो अंदर खाते उस सहमति है उनकी, उन लोगों के लिए समर्थन कर रहे हैं। मूक समर्थन है और पूरा समर्थन है, मूक के साथ साथ उनको प्रशासनिक सपोर्ट भी मिल रही है। प्रशासन को उन्होंने तो मना किया होगा ना कि इनको अरेस्ट मत करो, जबकि देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 महीने पहले भी उसको कहा, दिल्ली पुलिस को, कि आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो इनको, क्यों नहीं अभी तक ये खुले घूम रहे हैं, क्यों नहीं इनको अरेस्ट करे जा रहे हो? तो इसलिए जब अगर नहीं हो रही है, दिल्ली पुलिस किसकी सुनेगी? होम मिनिस्टर की सुनोगी? तो आप जैसे जो बहुजन लोग हैं, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं आजकल, ऐसा क्यों करते हो आप? नहीं, जब ये खुले होकर के देखिए, जब ये अंदर खाते हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, तो हम भी अंदर खाते अपने लोगों को हिंदू राष्ट्र की बुराइयों के बारे में, गुलामी के बारे, जो हमारी गुलामी होनी है उसके बारे में, हिंदू राष्ट्र से आपको नहीं दिक्कत? हम तो ये पूछ रहे हैं, अब हम उल्टा पूछेंगे कि भैया इनको भारत राष्ट्र से क्या दिक्कत है? भारत के महान संविधान, भारत अर्थात इंडिया से क्या दिक्कत है? भारत का जो संविधान, जो महान संविधान 4 पिलरों पर है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इसके इन 4 पिलरों पर खड़ा है, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? देखिए, भारत का संविधान कहता है कि भारत का संविधान सबको, तमाम नागरिकों को, अपने सभी नागरिकों को, चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा, किसी क्षेत्र, किसी संस्कृति के, भारत के उसमें राज्य क्षेत्र में रहते हैं, उनको बराबर सबको न्याय,
स्वतंत्रता, समता, बंधुता देने की गारंटी देता है। ये महान संविधान सबको विधि के समक्ष समान मानता है। ये महान संविधान कमजोरों को शक्ति देता है। ये महान संविधान गुंडे मवालियों को उनकी औकात बताता है। इसीलिए ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं। इनको इससे दिक्कत है और हमें हिंदू राष्ट्र से इसलिए दिक्कत है कि जो उनका संविधान है मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र का, वो बिल्कुल हमारी गुलामी पे इस देश के शूद्र और अनटचेबल्स अर्थात अछूतों के की गुलामी का वो संविधान है। उनकी पूर्णतः गुलामी, उनका अपमान, तिरस्कार, उनका शोषण पे आधारित वो संविधान है। तो इसलिए हमें तो दिक्कत है ही है। हाँ, तो उनके एक FIR दर्ज होते हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है ना, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चार्ज एक हफ्ता हो गया उसके भाई के ऊपर, जो हिंदू राष्ट्र की देखो वो दिखा रहा था झलक। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि गुंडागर्दी, वो दिखा रहा था रिवॉल्वर लेकर के, एक शादी में जा कर के खुले रूप से मुंह में सिगरेट लेकर के और रिवॉल्वर से गाली गलोच कर रहा है, जातिगत गाली दे रहा है। वो बता रहा है उनकी औकात की, भैया हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी ये औकात थी, तुम इस तरह से रहोगे, जो हम कहेंगे वैसे चलेगा। तो उसके ऊपर जो भारत राष्ट्र का संविधान था, तुरंत उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो अब वो दोनों भाइयों की, जो हिंदू राष्ट्र मांगने वालों की, बोलती बंद है। और उसके अलावा नहीं हुई है गिरफ्तारी, नहीं हो रही सर अभी तक। हाँ, गिरफ्तार क्योंकि प्रशासन उनके हाथ में है ना, गिरफ्तारी भी जरूर होगी। देखिए FIR दर्ज होना ही अपने आप में बड़ी बात है। आज नहीं तो कल, कोई बात नहीं, आज नहीं होगी तो जब बहन मायावती 2024 में बन जाएंगी प्रधानमंत्री, तो जब अरेस्ट तो करेंगे क्योंकि एक संविधानिक एक FIR दर्ज हो गई है। अब उसको मिटा तो सकते नहीं है, या तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन करे, या तो फिर सीधा सरकार वापस ले उसको। सरकार वापस लेगी अगर उस केस को, तो सरकार नंगी हो जाएगी सबके सामने, और कोर्ट इनको उसको क्वेश्चन करेगा नहीं क्योंकि उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी है। अरेस्ट करना सबसे पहले तो, क्योंकि SC ST की धाराएं लगी हैं, और तो इसलिए ये एक्सपोज हो रहे हैं। तो जब हमारी सरकार आएगी 2024 में, हमारी दलितों की, हमारी मूल निवासियों की जब सरकार आएगी बहन मायावती के नेतृत्व में, तो फिर हम अपने उसको अरेस्ट करवाएंगे, चिंता मत करो। बाबा साहब के 44 वॉल्यूम जो उन्होंने लिखे थे, वो भारत सरकार ने रिलीज करें, कांग्रेस की और BJP की दोनों सरकारों ने, हिंदी इंग्लिश में, और उसमें तमाम ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ढोल गवार, शुद्ध प्रसुनारी, मनुवाद पर सारी चीज़ें बाबा साहब हमें लिख के गए। तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे भाई, आप चाहे तुम कितनी लिपापोती करो, हम नहीं मानेंगे। हमारे बाबा साहब हमें लिख के गया, समझा के गया, हम वही बात मानेंगे। और जो भारत के संविधान से टकराएगा वो 100% जरूर चूर चूर हो जाएगा। आजकल बहुजन, स्पेशली पिछड़े लोग हैं, वो जो धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के, रामचरितमानस, रामायण, गीता वगैरह, इनका बहुत विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं करना चाहिए। मैं तो देखिए, मैं इस बात को मैं पक्षधर हूँ कि भारत का संविधान ही हमें बोलता है। बाबा साहब बोल गए थे कि भाई इनका विरोध मत करना, इनको मानने दो, जो इनको मानना चाहता है, जो उनमें लिखी गालियों को सुनना चाहता है, जो गुलामी में रहना चाहता रहे उसमें। बाबा साहब कह गए भैया रहो, लेकिन विरोध नहीं करना, क्योंकि देखो आप किसी चीज़ का विरोध करोगे ना तो उतना ही हाईलाइट होगा। जैसे कि इन्होंने अभी उसको कांग्रेस के प्रवक्ता को पकड़ा ना, वहाँ से हाईलाइट, वो ऐसा हाईलाइट हो गया। पवन खेड़ा को जो कोई भी नहीं जानता था, तो वो भी उसको भी जानने लग गए। उन्होंने उसको पकड़ा था कन्हैया को, उसने हीरो बना दिया था। JNU के कोई नहीं जानता था, उसको जेल में भेजा, उसको हीरो बना दिया। किसी चीज का विरोध करोगे तो वो उसका हाईलाइट होगा, प्रचार होगा। आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। प्रचार करना है तो अपने भारत के संविधान का करो, प्रचार करना है तो बाबा साहब की विचारधारा का करो। हमें अपने ये काम करने हैं। हमें किसी भी ग्रंथ से, किसी धर्म के, ना तो उसके विरोध में बोलना है, ना उसके विरोध करना है। हम अपने लोगों को बताएं कि भैया इसकी अच्छाई और बुराई क्या है, और संविधान का उनके हक हकूक की बात बताएं, बाबा साहब के विचारधारा की बात हम उनको बताएं। हमारा इतना काम है बस।